जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी मोटिवेशन योगी यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं आज मैं आपको अजमेर जिला के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स, बने रही वीडियो के लास्ट तक, वीडियो अच्छी होने वाली है फ्रेंड्स। इस जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा फ्रेंड्स, ये कंप्लीट अजमेर जिला के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप भले कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, आईएएस, आरएएस, कोई सी भी हो फ्रेंड्स, सब सब एग्ज़ामों में इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। सो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊंगी अजमेर के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो चालू करते हैं। अजमेर जिला कब बनाया गया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, और किसके द्वारा बनाया गया, किसके शासकों ने यहाँ पर राज किया था, कब बना, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से किले हैं, और झील भी, कौन कौन सी झील हैं इसमें, कितने राजाओं ने इस पर राज किया। हाँ तो फ्रेंड्स, अजमेर का मतलब क्या होता है, मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, अजमेर का अर्थ होता है अजय प्लस मेर। जी, अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, और फ्रेंड्स मेर का मतलब होता है पहाड़ी या पर्वत। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा पर्वत जिसे जीता ना जा सके। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा पर्वत जिसे जीता ना जा सके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका अजमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा पर्वत जिसे जीता ना जा सके। इसके फ्रेंड्स दो प्राचीन नाम है, पृथ्वीपुर और अजयमेरु, ये इसके प्राचीन नाम है फ्रेंड्स। अब मैं बताता हूँ कि आपको कि इसकी स्थापना कब की गई। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अजयराज चौहान के द्वारा। और इसे किला, अजयराज चौहान ने एक किला बनवाया था, उस किले का नाम है अजय मेरु किला या दुर्ग। फ्रेंड्स, इस अजमेर पर चार मुगल शासकों ने राज किया था। उनमें से पहला नाम है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन चारों ने यहाँ पर राज किया था फ्रेंड्स। मैं बताता हूँ अकबर के बारे में कि अकबर ने अजमेर में कैसे राज किया, क्या किया इन्होंने, काम किए, किस किस से युद्ध किया। हाँ सो फ्रेंड्स, अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की। हाँ फ्रेंड्स, अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की। अकबर का किला, इन्होंने एक किला बनाया था, उसका नाम था अकबर का किला, दौलत खाना या मैग्नीज दुर्ग। जो फ्रेंड्स अकबर इसमें अपनी दौलत के लिए बनवाया था एक किला, तो इसलिए इसे दौलत खाना कहा गया, मैग्नीज दुर्ग। फ्रेंड्स, इनमें अपने जो राज किया था अंग्रेजों ने, उन्होंने इस दुर्ग में अपने हथियार अस्त्र शस्त्र रखे थे, इसलिए इसे मैग्नीज दुर्ग कहा गया। तो इसके तीन नाम है, अकबर का किला, दौलत खाना, मैग्नीज दुर्ग। इस किले का निर्माण सन 1570 ईस्वी में कराया था। और फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, इसमें अजमेर में स्थायी निवास तथा अपना खजाना छुपाने के लिए इस किले का निर्माण किया गया। इस निर्माण को, जो एक किला का निर्माण किया गया, उससे पहले एक एक बादशाही भवन का निर्माण किया गया, उसी तरह फिर इन्होंने किला का निर्माण किया। फ्रेंड्स, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। और यहाँ पर मैं आगे और चल के बताता हूँ कि गुजरात पर, फ्रेंड्स अकबर ने गुजरात पर नियंत्रण रखने हेतु अजमेर को मुख्यालय बनाया। और फ्रेंड्स, अकबर ने सहेलियों का बाजार, आपसे पूछा जाएगा सहेलियों का बाजार तो अजमेर में है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सहेलियों की बाड़ी तो उदयपुर में है फ्रेंड्स, ठीक है। इन्होंने एक कोस मीनार का निर्माण करवाया, वो भी अजमेर में है। नोट है इसमें, जिस फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इसमें बताया था आपको सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में, ठीक फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं कंप्लीट बताऊंगा फ्रेंड्स आपको। अब दूसरे नंबर पर आता है अपना जहांगीर, कि जहांगीर ने क्या किया। जहांगीर ने एक मुगल दरबार लगाया था फ्रेंड्स, 1613 से 1616 ईस्वी में। तो जहांगीर ने इस दरबार में लगाया था, तो जहांगीर महल का, जहांगीर ने एक निर्माण महल का निर्माण किया था जो जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में ये पुष्कर में स्थित है। चश्मा ए नूर निर्माण अजमेर में है फ्रेंड्स। चश्मा ए नूर एक झरना है पर्वत के पास में, उसका नाम है ये चश्मा ए नूर का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। दौलत बाग उद्यान, सुभाष उद्यान अजमेर में है फ्रेंड्स। ये मुगल मेवाड़ संधि,
हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले संधि मतलब कि मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में युवराज करण सिंह जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुए। ये जो 5 फरवरी 1615 में जो ये संधि हुई थी वो युवराज करण सिंह के मध्य और जहांगीर के मध्य हुई थी। फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि पुष्कर के 12 मंदिर की मूर्ति को पुष्कर की झील में फेंकवा दिया। हाँ फ्रेंड्स, जहांगीर ने पुष्कर के मंदिर में 12 देव की मूर्ति थी उसे झील में फेंकवा दिया। ठीक फ्रेंड्स, सर टॉमस रो 22 दिसंबर 1615 ईस्वी में अजमेर आए और 10 जनवरी 1600 को जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। फ्रेंड्स उन्होंने दरबार लगाया था, ये यहाँ पर ये दरबार लगाया था उन्होंने, उसमें ये 10 जनवरी 1616 को दरबार में पहुँचे। अब फ्रेंड्स अगला आता अपना शाहजहाँ। शाहजहाँ ने आना सागर झील के किनारे बारहदरी का निर्माण करवाया जो सफ़ेद संगमरमर के से निर्मित है। इनके बड़े पुत्र थे ज्येष्ठ पुत्र दारा शिहो का जन्म तारागढ़ ध्रुव में हुआ। अब चौथे नंबर पर आता है औरंगजेब। औरंगजेब का छोटा सा बस वो है अजमेर में, इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम दोहराई का युद्ध कहा गया। इस युद्ध को इसके चारों बेटों के द्वारा लड़ा गया क्योंकि उस समय औरंगजेब बीमार थे। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। फ्रेंड्स इस युद्ध में औरंगजेब की क्या हुई? विजय हुई। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपके इसके प्राचीन नाम क्या क्या हैं। प्राचीन नाम दो थे फ्रेंड्स अपने, अजमेरु पृथ्वीपुर। उपनाम है इसके भारत का मक्का मदीना, राजस्थान का हृदय, केंद्रीय स्थिति भी कहा जाता है इसे, राजस्थान का जिब्राल्टर, सांप्रदायिक सद्भाव का संगम, राजस्थान का नाका, राजपूताने की कुंजी। ये इसके 6 उपनाम हैं फ्रेंड्स, 6 के 6 उपनाम हैं इसके। और फ्रेंड्स एक हरगोविंद खुराना थे, अजमेर के हरगोविंद खुराना थे, दयानंद विद्यालयों के विद्यार्थी थे ये, जिन्हें नोबल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। सम्राट पृथ्वी राज चौहान राजकीय महाविद्यालय राजस्थान का सबसे पुराना विद्यालय। फ्रेंड्स हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसमें है सम्राट पृथ्वी राज चौहान राजकीय महाविद्यालय। और फ्रेंड्स दयानंद महाविद्यालय कृषि स्नातक के लिए प्रसिद्ध है। और अजमेर में एक लेखिका हुई थी हिंदी लेखिका, उसका नाम है मन्नू भंडारी। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, अजमेर के का प्रथम स्थान किस चीज़ में प्रथम स्थान है अजमेर में? राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर में बनाया गया, सबसे प्रथम हाईटेक डाकघर। ठीक है, राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गनाहेड़ा पुष्कर में। पूछ सकते हैं कि राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी कहाँ बनी? तो इसका है राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गनाहेड़ा पुष्कर में। राजस्थान की प्रथम आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला, हाँ फ्रेंड्स राजस्थान की प्रथम आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल, जी फ्रेंड राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ पर है? घूघरा घाटी, घूघरा घाटी, ये घूघरा घाटी में फ्रेंड्स देख सकते हो आप। और मैं आपको बताता हूँ राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राम संयंत्र, ये भी राजस्थान में है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ आपको फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स एक टॉपिक अपना ये है, अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा कहाँ पर है? अजमेर में। ये मकबरा होता है मतलब कि टापू होता है जो तो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। यहाँ पर है बाबूगढ़ बजरंग दल स्थान है, ये नाम है बाबूगढ़ या बजरंग दल। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था मराठा सरदार बापूजी सिंधिया के द्वारा। ये बालाजी मंदिर भी है, और बालाजी का मंदिर बोले अपने इसे, बालाजी है, फिर बालाजी का हनुमान जी का मंदिर। मैंने आपको बताया था कि चश्मा इनूर एक झरना थी पहाड़ों के पास में, तो ये तारागढ़ दुर्ग के तलहटी में है चश्मा इनूर। इसका निर्माण जहांगीर ने नूर जहां के लिए करवाया। ये महल या झरना के पास है रूठी रानी का महल। हाँ फ्रेंड्स रूठी रानी का महल उसे कहते हैं जहाँ पर रानियाँ रूठ कर उसमें बैठी होती हैं, तो उसे रूठी रानी का महल कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें ये राव मालदेव की रानी थी उमादेव, वो इसमें रूठ कर बैठती थी, इसलिए इसका नाम रूठी रानी का महल पड़ा। बल्कि इस महल में जहांगीर की बेगम थी, वो भी इसमें रूठ कर बैठी थी। और उसे जहांगीर उसे 21 दिनों मनाने के लिए गया, 21 दिन तक मनाने गया, लेकिन वो नहीं मानी। तो फ्रेंड्स इसकी रूठी रानी का महल जहांगीर की जो बेगम थी उसके कारण नहीं पड़ा, बल्कि इसका नाम उमादे के कारण पड़ा था, न कि नूर जहां के कारण। तो मैं आपको बताता हूँ कि रूठी रानी का महल
ये रहा फ्रेंड्स तारागढ़ की तलहटी में है ये, रहा मालदीव की रानी उमादे जैसलमेर रूट, इस जैसलमेर की रानी थी ये रूट, उमादे रूट के कारण इस महल में रही। ठीक है, नूरजहाँ भी जहांगीर से रूट कर इस महल में रही। हाँ फ्रेंड्स, उमादे रानी के रूठने के कारण इस महल का नाम रूठी रानी का महल पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ आपको आगे की ओर। ये फ्रेंड्स घोड़े की मजार है तारागढ़ दुर्ग में। मीनार साहब का प्रिय घोड़ा था ये घोड़े की मजार। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार है यहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ये भारत की एकमात्र मजार है जिस पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। अब हाथी भाटा फ्रेंड्स, हाथी भाटा दो हैं, एक अजमेर में एक टोंक से। जो हाथी भाटा मतलब ये होता है कि एक हाथी की मूर्ति होती है बड़े वाली, जिसको चट्टानों को काट कर और उसे उसी जगह पर बनाया जाता है हाथी भाटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब संस्कृत वरण पाठशाला, इसका निर्माण किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, यह विग्रहराज चतुर्थ ने इसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फ्रेंड्स, ये संस्कृत कंठा वरण पाठशाला थी, इसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। राजस्थान की पहली मस्जिद है जो 16 खंभों पर स्थित है। ये फ्रेंड्स राजस्थान की पहली मस्जिद है जो 16 खंभों पर स्थित है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको संस्कृत वरण कंठा पाठशाला निर्माण बीसलदेव चौहान या बिगराज। दीवार पर हरकेली के नाटक लिखवाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये रही 2.5 दिन का झोपड़ा। मैं इसको डायग्राम के साथ में समझाता हूँ, यहाँ पर आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इधर आपको डायग्राम बना दिया था मैंने, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये रहा फ्रेंड्स 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके फारसी इतिहासकारों के अनुसार इसका नाम 60 घंटों में हुआ। हाँ फ्रेंड्स, 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 60 घंटों यानी कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये 16 खंभों पर स्थित है फ्रेंड्स। 16 खंभों जैसे 1 2 3 4, 4 और 4 8, उसी तरह 8 इधर से, 2 2 आगे पीछे थे। हाँ फ्रेंड्स, राजस्थान की प्रथम मस्जिद है ये। पंजाब सहाय का 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स मतलब फ्रेंड्स कोई उर्स मतलब कि जैसे कोई ख़त्म होता है तो उनकी याद में उर्स लगाते हैं फ्रेंड्स। हरिकेली नाटक के अंश मिले हैं इस पर, क्योंकि फ्रेंड्स इसको जो अपना था ना, मैंने आपको बताया संस्कृत कंठाभरण पाठशाला, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाकर उसके ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया और उन्हीं पत्थरों को इसके निर्माण में उपयोग लिया गया, इसलिए इस पर हरिकेली नाटक के अंश मिलते हैं फ्रेंड्स। अब अगला टॉपिक आता है अपना जिन दत्त सूरी का मंदिर जो दादाबाड़ी कहा जाता है अजमेर में। ये टीबी जी अजमेर में है, देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापना। ठीक फ्रेंड्स, तिलोनिया गांव अजमेर में है, इसमें देश की एकमात्र बाल संसद तिलोनिया में है। अरुणा रॉय सूचना का अधिकार इसी गांव में था। दूसरा और टॉपिक अपना जुबली क्लॉक टावर था घड़ी, जिसको महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था, अजमेर में है ये निर्माण। इसका निर्माण हुआ था 1686 से 1687। बहुत से फ्रेंड्स इसको निर्माण 1687 मानते हैं, लेकिन इसका निर्माण हुआ है 1686 से 1687 के बीच में, क्योंकि जो घड़ी है टावर, ये घड़ी रेलवे स्टेशन के सामने है, उसमें लिखित है कि इसका ये 1887 में कंप्लीट हुई बनकर। हाँ फ्रेंड्स सॉरी, गलती हो गई थी मुझे, 1887 में कंप्लीट हो गई थी बनकर, और इसका निर्माण हुआ था 1886 से। सो फ्रेंड्स चलते हैं आगे, मियो कॉलेज। हाँ फ्रेंड्स, मियो कॉलेज है का निर्माण 1875 ईस्वी में निर्माण हुआ था। मियो कॉलेज का निर्माण, इसका उद्देश्य था कि राज्य के राजा और राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा देना फ्रेंड्स। ठीक, इसका इनके जो कॉलेज थे, मियो कॉलेज के प्रथम प्राचार्य थे ओलिवर सेंट जॉन, और इसके प्रथम विद्यार्थी थे अलवर के युवराज मंगल सिंह। प्रथम प्राचार्य या उप प्राचार्य थे गिब्सन। दानमल ने गिब्सन को मेयो कॉलेज का शाहजहाँ कहा। पाठ्यक्रम व गतिविधियों को बढ़ावा दिया। गिब्सन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने डिवोर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार दिया फ्रेंड्स। अभय सम्राट
हाँ फ्रेंड्स, अभी इसका पार्ट 2 बाकी है, वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे।